रोल के लिए। क्या दिलजले 2 दिखेगी एक नए अंदाज में? कौन लिखेगा दिलजले 2 का स्क्रीन प्ले? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, एंड मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 1996 की हिट फिल्म दिलजले के बारे में, जो उस वक्त की बेहतरीन रोमांस, एक्शन और पेट्रियोटिक फिल्म थी, जिसमें हमें अजय और सोनाली का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, दिलजले फिल्म में अजय ने हीरो और विलन दोनों का किरदार निभाया था। फिल्म के निर्माता हैरी बावेजा ने हमें एक ऐसे आम आदमी की कहानी दिखाई थी, जो अपने पिता के साथ हुए अन्याय की वजह से गलत राह चुन लेता है और आतंकवादियों के साथ जुड़ जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी अपने देश के लिए इज्जत और प्यार है, जिसकी वजह से फिल्म के क्लाइमेक्स में वो आतंकवादियों को छोड़ देता है और अपने प्यार से मिलता है। शाका का किरदार इस फिल्म के लिए काफी अहम था। तो दोस्तों, इस तरह का किरदार निभाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उनको हमने एक विलन के रोल में भी देखा है और हाल ही में आई उनकी फिल्म शेरशाह में वो एक हीरो के किरदार में भी दिखे। साथ ही शाहिद कपूर भी विलन और हीरो का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और ऐसे किरदार के लिए रणवीर सिंह भी एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो सुल्तान खिलजी भी बन सकते हैं और सिम्बा भी। इस फिल्म का म्यूजिक भी दर्शकों को काफी पसंद आया था, जिसको अनु मलिक ने कंपोज किया था। फिल्म की शायरी और काफी डायलॉग्स इतने अच्छे से लिखे और बोले गए थे कि आज भी वो सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसका पूरा क्रेडिट फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर करण राजदान को जाता है। करण राजदान यूनिक स्टोरीज और कहानी को एक अलग तरीके से पेश करने के लिए फेमस है, और इन्होंने काफी हिट मूवीज बॉलीवुड को दी है। तो दिलजले 2 एक नए अंदाज में, एक नई कहानी के साथ और नए शाका के साथ बन सकती है, और साथ ही हमें उसमें आज के वक्त की जो एडवांस टेक्नोलॉजी और रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज बॉलीवुड में देखने को मिल रही हैं, उसकी झलक हमें दिलजले के रीमेक में भी देखने को मिल सकती है। अगर हम किसी फिल्म की स्क्रिप्टिंग की बात करें, तो स्क्रिप्ट एक मूवी की जान होती है, जो फिल्म को या तो सुपरहिट बनाती है या फिर सुपर फ्लॉप। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी कहानी दर्शकों को आपसे जोड़े रखे, वो फिल्म में खो जाएं और सालों तक याद रखें। दिलजले की कहानी भी ऐसी ही थी। अजय के कोई भी फैंस शाका को नहीं भूल सकते। दिलजले 2 के लिए भी ऐसा ही बेस्ट स्क्रीन प्ले होना जरूरी है। अयान मुखर्जी, जूही चतुर्वेदी, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, जावेद अख्तर, ये सारे नाम वही है जिन्होंने आज की फिल्म इंडस्ट्री में जान डाली हुई है, और ये सारे ही राइटर्स एक्शन, रोमांस और पेट्रियोटिक मूवीज बना चुके हैं, और दर्शक भी उनकी कहानियों से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप कौन से नए एक्टर को शाका के किरदार में देखना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। तब तक खुश रहें और सेफ रहें।